हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देख भाई सुन रिव्यूज। इस हफ्ते हमने आपके लिए देखी दो फिल्म्स, एनिमल और सैम बहादुर। सैम बहादुर की डायरेक्टर है मेघना गुलजार। ये सैम मानेकशॉ जो कि इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, उनकी जीवनी पे आधारित। विकी कौशल ने इसमें रोल निभाया है फील्ड मार्शल मानेकशॉ का, और क्या खूब रोल उन्होंने निभाया है। दिस फिल्म बिलोंग्स टू विकी कौशल। आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगा सैम बहादुर में? देखिए, सैम बहादुर जो आपने जैसे बताया, एक बायोग्राफिकल फिल्म है और बहुत अच्छे, बहुत ऑनेस्ट तरीके से उसको डिपिक्ट करती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो ऑनेस्टी कुछ इस हद तक चली जाती है कि वो एक एंटरटेनमेंट थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है वहां। मुझे जो मिसिंग लगा उस फिल्म में ये कि जो एक्चुअल सैम बहादुर थे उनकी कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ आर्काइव के जो इंटरव्यूज। हाँ। काफी इंस्पिरेशनल मूवी थी, लेकिन एक जो कमी थी जाने के अलावा, जो कि प्रिपरेशन के टाइम बड़े चलो बड़े बड़े चलो, चलो गुलजार का लिखा हुआ गुलजार का लिखा हुआ गीत है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं आया जिसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसी इवोक की गई हो, एक हाइट पे लेके गए। जी हाँ, एक पर्टिकुलर सीन में उनको गोलियां लगती हैं सैम बहादुर को, तो उस सीन को थोड़ा सा इस तरीके से किया जा सकता था कि ज्यादा इमोशंस इवोक होती उसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा इमोशंस निकल के आती। वहां थोड़ी मूवी फ्लैट और ब्लैंड लगी मुझे। जी, सैम बहादुर में उनकी पूरी बचपन से लेकर के 71 वॉर तक और फिर उनकी रिटायरमेंट तक पूरी उनकी लाइफ की जर्नी दिखाई गई है, और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, वेरी ऑनेस्टली, ऑथेंटिक वे में, प्रॉपरली रिसर्च। लेकिन हाँ, जब मैं रिसर्च की बात करूंगा तो मुझे थोड़ी सी कमी ये खली कि जो उनका लास्ट का इंटरव्यूज में से एक था जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैं बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान चला जाता तो शायद पाकिस्तान जीत जाता। वो बहुत कंट्रोवर्शियल था उस टाइम पर, लेकिन उसके बारे में फिल्म में कोई ज्यादा बात नहीं की गई, बड़े एक पासिंग रेफरेंस की तरह उसको निकाल दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। आप फिल्म देखते देखते ये भी कह रहे थे कि इंदिरा जी का जो जी है उससे आप कन्विंस नहीं है। हमने भी, और मैं जानता हूं आप दर्शकों में भी बहुत से लोगों ने इंदिरा जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा। इंदिरा जी का जो करेक्टर हमने पढ़ा था वो इट हैज नॉट कम अक्रॉस दैट वे। इंदिरा जी तो बहुत स्टर्न लीडर थी, और जो एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन के ऊपर स्टैंड करती थी, लेकिन पूरी फिल्म में इंदिरा गांधी जी को इतना मीक दिखाया गया है कि जब भी इनका कॉन्फ्रेंटेशन होता है, आपने नोट किया होगा, जिस भी सीन में दोनों साथ हैं वहां पर जो सैम मानेकशॉ कहते हैं हमेशा वो वही डोमिनेट कर रहे हैं सीन को। जी, और यहां तक बल्कि एक फिल्म, एक सीन में तो सैम मानेकशॉ को एस्ट्रोलॉजर तक भी बता दिया गया। वो एक डेट लिख करके देते हैं इंदिरा गांधी को, और वो उसी दिन ही वॉर शुरू होती है। वॉर के जो डिसीजंस होते हैं ये बड़े, इसमें डिप्लोमेसी भी इन्वॉल्व होती है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, ये इस तरीके से नहीं लिए जाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे हल्का लगा। दूसरा, उधर याहिया खान को बहुत ही ज्यादा, ठीक है वो एडवर्सरी हैं, पाकिस्तान के जनरल हैं, बट सेम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, सेम एबिलिटी है, बल्कि ये दो बड़े दोस्त भी थे दोनों, बहुत अच्छे। तो वो जो कमी थोड़ी लगी कि उनके करेक्टर को भी पूरा दिखाया नहीं गया, ऐसा लगा कि बहुत इम्पल्सिव है और उन्होंने अचानक से, अच्छा ये ऐसा नहीं था जो हमने पढ़ा है, जो किताबों में लिखा गया है। उनको उकसाया गया, उनको स्थिति तक लेके आया गया कि वो इंडिया के एयर स्पेस को न माने और अपने एरोप्लेन भेजें, और उसके रिएक्शन में इंडिया फिर एकदम से उनके ऊपर हमला बोल दे। वो बड़ी थॉट आउट प्रोसेस, वही मुझे इस फिल्म में लगा। कहीं तो वो ऐसे कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ट्रू टू द फैक्ट्स रहेंगे, बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं रहेंगे, कहीं पर वो फैक्ट्स भी पूरे नहीं दिखा रहे हैं। और जहां पे उनको इमोशन इवोक करना चाहिए था, अगर आप किसी सोल्जर की, किसी मिलिट्री ऑफिसर की जीवनी देख रहे हैं तो आपका खून गर्म होना चाहिए था, तालियां बजनी चाहिए थी, हमारी स्क्रीन हाउसफुल थी, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी बन पड़ी है। मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा फिल्म मेकर्स को कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इतिहास के पन्नों से ये उठा करके लाए और हम सबको उन्होंने दिखाया। लेकिन इसके साथ ही जो आपने सुबह आज बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी जी, जैसे महाभारत, महाभारत हुई 5000 साल हो गए महाभारत को हुए, लेकिन आज भी जो इंसान की लड़ाई है टेरिटरी के लिए ही, कौरव पांडव थे वहां पर, वहां कौरव पांडव थे, भाई भाई थे आपस में, फिर भी जमीन के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे याया खान और सैम मानेकशॉ, लार्जर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं, वो भाई भाई थे, आपस में टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे, कई लड़ाइयां उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में साथ में गए। सिमिलरली एनिमल में, हाँ एनिमल की बात हम शुरू करें,
एनिमल में भी टेरिटरी का वॉर है जी, वहां टेरिटरी का वॉर है, वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखकर टेरिटरी के लिए लड़ा जा रहा है। सैम बहादुर में उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ टेरिटरी के लिए लड़ा जा रहा है, इतना डिफरेंस है एक ही टाइम पे दोनों मूवी। हाँ, लेकिन एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा, पॉलिटिशियंस को बहुत मीक दिखाया है। ठीक है, आप एक ये वो नहीं है कि शायद एक लाइन को बड़ी दिखाने के लिए दूसरी लाइन को मिटा दिया गया है, तो वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी। पॉलिटिशियंस को इतना मीक दिखाया गया है कि जो एयर मार्शल हैं वो सैम मानेकशॉ को झाड़ देते हैं, ही वर्चुअली एडमोनिशेज हिम ऑन वन पॉइंट कि आप हमें अपना काम करने दीजिए, एयर स्ट्राइक कब होगी क्या होगी वो हमारा काम है, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, आप उसके बीच में मत बोलिए, और मानेकशॉ चुप हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस में से ना डिफेंस सेक्रेटरी, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, दोनों जवाहरलाल नेहरू भी और इंदिरा गांधी भी, वो मानेकशॉ के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते, सिर्फ मानेकशॉ ही बोलते हैं और वो ही अपने टर्म्स को डिक्टेट कराते हैं। ये थोड़ा सा ऑड लगा मुझे कैरेक्टराइजेशन। एनिमल जिसके हीरो हैं रणबीर कपूर, डायरेक्टेड बाय अर्जुन रंगा रेड्डी, जिन्होंने इससे पहले हिंदी में कबीर सिंह और जी अर्जुन रेड्डी बनाई थी उन्होंने तेलुगु में, उसका रीमेक फिर कबीर सिंह बनाया था 2019 में, और अब उनकी एनिमल आई है, और अब आगे जो टू बी अनाउंस है वो एनिमल पार्क है। इसके बाद जो उनका फोटे वायलेंस ही होता है, साइकोथेरेपी की उनकी पढ़ाई भी कुछ जी हाँ डिग्री उन्होंने साइकोथेरेपी में की है, शायद वो ही उनकी राइटिंग में काम आती है। एनिमल की जब हम बात करें तो माइंडलेस वायलेंस, ये फिल्म टोटली एंड टोटली रणबीर कपूर को बिलोंग करती है। हाँ, अनिल कपूर बीच में अपनी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। एनिमल में रणबीर कपूर खुद को अल्फा मेल कहते हैं। अल्फा मेल की डेफिनेशन उनकी बड़ी अजीब है, वो पूरा एक लेक्चर देते हैं अल्फा मेल के बारे में, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है तो लेक्चर तो देना ही था। लेकिन अल्फा मेल की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्फिडेंस, मानती है ना आप इस बात को? और कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति में होता है वो कभी भी वैलिडेशन नहीं चाहता। लेकिन यहां तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो बार बार उठते हुए भी, बाल काटते हुए भी, बैठते हुए भी, सोते हुए, पापा 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 मैंने ठीक किया ठीक किया, वो बार बार वैलिडेशन चाहते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें है नहीं, तो अल्फा मेल कैसे हुए? चलिए अल्फा मेल है, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हैं, जब मन आया बाप का घर छोड़ दिया, जब मन आया वापस आ गए, पापा को गोली लगी तो किसी और के पापा को मार दिया, अब क्या होगा उसका बेटा अपने पापा के कातिल को मारेगा? तो महात्मा गांधी जो कह के गए थे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये इसीलिए हमारे दुनिया में स्टेट है, लॉ है, पुलिस है, लेकिन ये पता नहीं इस फिल्म में कोई पुलिस नहीं है। पुलिस तो है ही नहीं पूरी फिल्म के अंदर, पुलिस है ही नहीं। पॉलिटिशियन शायद एक सीन के लिए आते हैं और उसमें बिल्कुल डिग्रेड किया है कि चीफ मिनिस्टर होंगे तो होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे तो होंगे, मेरे से मिलने के लिए आएंगे, वो पॉलिटिशियन नहीं है। और सबसे बड़ी बात स्कॉटलैंड जाते हैं ये लोग, स्कॉटलैंड यार्ड वर्ल्ड की सबसे बढ़िया पुलिस में से है, नंबर वन पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड, वहां भी ये लोग जहाज भर के जाते हैं। मेरे को राइटिंग बड़ी कंफ्यूज लगी इस फिल्म की, बहुत ही कंफ्यूज लगी। जहाज भर के जाते हैं, पूरे अपने हथियार लेकर के, वेपन्स लेकर, ऑटोमेटिक गन्स लेकर के स्कॉटलैंड जाते हैं, वहां पूरे हथियार चलाते हैं, धूमधड़ाम करते हैं और लौट करके वापस आते हैं उसी खून भरे कपड़े में, उन्हें जहाज में बैठ के लौट के, और सीधा वो पापा के सामने आ जाता है। काफी जैसे सी ग्रेड मूवीज होती है ना, जहां पर एमेच्योरिश जहां पे बहुत इस टाइप की कमियां होती हैं, ये दिखाना पड़ता है, ये इन्हीं चीजों से इमोशंस जो होते हैं ना वो आपके अंदर से निकलते हैं। अब देखिए एनिमल पिक्चर देख रहे हैं, आपको इतनी पसंद नहीं आई, मुझको पसंद आई क्योंकि एनर्जी थी उस मूवी के अंदर। एनर्जी तो बहुत थी, ये बात मैं मानता हूँ, इट वॉज टोटल एनर्जी। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है, मुझे लग रहा था कि कैसे देखेंगे कैसे झेलेंगे, लेकिन पता नहीं चला कब खत्म हुई, एनर्जी थी उसमें। यस, और जो बेस्ट डिसीजन जो रणबीर कपूर का इस मूवी में रहा, एक तो उन्होंने जो रश्मिका मंदाना से मैरिज की, और दूसरा जो वो विलेज में गए अपने कजन्स को लेके आए। नहीं वो मुझे समझ नहीं आया, दोनों ही चीजें समझ में नहीं आई भाई, आप 6-6 फुट के आदमी लेकर के आते हो स्पेशली विलेज में जाकर के लड़ने के लिए, कजन्स थे वो उनके, ठीक है मान लिया उनको लड़ने के लिए तो लाए हो ना वहां से, और लड़ने के लिए आकर के बंदा अकेला लड़ रहा है, हमारा हीरो अकेला लड़ रहा है, और पीछे वो गला फाड़ फाड़ के, भाई साहब आपको गला काटने के लिए लाए हैं यहाँ पर, आपको गला फाड़ने के लिए लाए, अर्जुन वैली ने बाप, दैट वाज टोटली माइंडलेस। रणबीर कपूर अल्फा मेल है, वो अकेले ही लड़ेंगे। ठीक है अल्फा मेल है, मैं आपकी बात मानता हूँ, सो कॉल्ड मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन देखिए उसके कैरेक्टराइजेशन में भी कितना बड़ा फ्लॉ है। डायरेक्टर राइटर जो कि खुद ही है राइटर भी, उसके कैरेक्टर में हर फ्लॉ दिखाने को तैयार है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता नहीं है, बहुत ज्यादा मूडी है, हर एक को अपने जूते के नीचे दबा के रखना चाहता है। सारे फ्लॉ को राइटर ने बिल्कुल सामने दिखाया आपके कि हाँ लीजिए, लेकिन जहां पर वो दूसरी लड़की के साथ रिलेशंस बना लिए
उसको बड़ा जस्टिफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लास्ट में एक मिनट में जस्टिफाई कर दिया कि भाई ये तो उससे सारे सीक्रेट्स उगलवाना चाह रहा था ना, इसलिए इसने ऐसे किया। क्यों? अगर उसके करेक्टर में फ्लॉ है तो डायरेक्टर राइटर शुड हैव बीन ऑनेस्ट अबाउट दैट। ठीक है, एक इतने सारे फ्लॉ है, एक फ्लॉ ये भी है, लेकिन नहीं, मेरे हीरो के ऊपर चरित्र के ऊपर कोई फ्लॉ नहीं लगना चाहिए, गुस्सेबाज है तो ठीक है। एनिमल पे हम डिस्कशन खत्म नहीं कर सकते, बॉबी डियोल की बात की है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बॉबी डियोल बोल नहीं सकते, वो उनको ये एक्सपेक्ट किया गया था कि एक्सप्रेशन दिखाएंगे और एक्सप्रेशन अच्छे दिखाएंगे, उन्होंने अच्छी लड़ाई की। इस एज में भी फिटनेस लेवल भी अच्छा है, कपड़े उतार के वो लड़ाई कर सकते हैं। देखिए एनिमल हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो देख के आए, किसी को अच्छी नहीं लगी, कोई कह रहे थे बहुत लंबी फिल्म है, हमारा तो बीच में उठने का मन कर रहा था, कितना वायलेंस है, फिर लोग जा क्यों रहे हैं? मैं बताता हूँ उसके मेरे पास रीजन है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। हम लोग एम्स्टर्डम में, आप थे साथ में जी, हम लोग एम्स्टर्डम में गए। एम्स्टर्डम में एक मार्केट है, चीज मार्केट, काफी बड़ी मार्केट है, मॉर्निंग में लगती है वो। हम लोग भी गए वहाँ, हम टूरिस्ट थे वहां पर। उन्होंने अलग अलग तरह सैकड़ों तरीके की चीज वहां रखी रहती है, और वो अपने आप में चीज के बारे में हमें लर्निंग भी बहुत हुई। हालांकि हम काफी शौकीन है, चीज खाते हैं, लेकिन इतने तरीके की चीज हमने जिंदगी में देखी नहीं थी, खाई नहीं थी। तो हुआ ये कि आपके सामने की बात है, वहां उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, एक चीज उन्होंने दिखाई, इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस चीज में से, और बड़े गर्व से वो बता रहा था कि इस चीज के अंदर वही बैक्टीरिया होता है जो हमारी सॉक्स में होता है, अगर हम चार दिन सॉक्स को चेंज न करें तो। जो सॉक्स में से स्मेल आती है चार दिन पांच दिन न चेंज करने की वजह से, वो स्मेल उस चीज के अंदर आ रही थी। और कमाल की बात यह है कि लार्जेस्ट सेलिंग वही चीज थी। अब मैंने बैठ के देखने की कोशिश की इसके ऊपर, अपना नेट के ऊपर, कि ऐसा क्या। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब हम वो चीज खाते हैं तो नाक के सामने जो सूंघा जाता है उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है, जब हम खाते हैं तो नाक के पीछे से जो स्मेल जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, इसको केवल मैं शब्दों की, वर्ड्स की जगलरी मानता हूं। जिस चीज में बदबू आती है वो बदबू ही आती है, तो हो सकता है एनिमल जो आपकी हिट हो रही हो ये उसी चीज की तरह है जिसमें बहुत बदबू आ रही है, मैं नहीं खा सकता उसको, लोग खाते होंगे, मुझे पसंद नहीं आई, और मजा नहीं। मेरे को अच्छी लगी मूवी, मैंने एंजॉय किया, मुझे लगा नहीं कि वो 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है। ये इतने शांत हो गए आपको बता रही है ना, आप देखते ही वो जो गाना आ रहा था अर्जुन वैली ने, माइंडलेस सॉन्ग, एंड शी वाज सो फुल ऑफ एनर्जी, ये बात है, काटो मारो, इनके अंदर का जो एक बच्चा है ना वो जाग गया। और मैं देख रहा था, हम जब सैम बहादुर देखने गए तो सेम हॉल में एक पेरेंट्स कितने चालाक होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को तो बिठा दिया सैम बहादुर में, चार बच्चों को हमारे आगे बैठे थे हमारी स्क्रीन में, और खुद जाकर के बैठे थे एनिमल वाली स्क्रीन में। बीच बीच में आ रहे थे, कभी बच्चों को कुछ खाने का दे रहे थे, ठीक लग रहा ना बेटे आपको, आर्मी की फिल्म दिखाने लाया हूं आपको, आर्मी मैन बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, खुद जाके एनिमल देख रहे थे, इसीलिए एनिमल हिट हो रही है। हमारे अंदर की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो जानवर वाली प्रवृत्ति है हमारी, उसको वो जगाती है। एनिमल में भी टेरिटरी के लिए फाइट है सिबलिंग्स के अंदर, के इनको इतना मिल गया हमें इतना नहीं मिला, बेसिक लड़ाई महाभारत के टाइम से ना वही हो रही है, उसको बताने का तरीका अलग अलग है, लड़ने का तरीका अलग अलग है। एनिमल में वो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, बस ये अर्जुन वांगा रेड्डी, ये कौन सी जगह है जहाँ पे पुलिस नहीं है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि गोली मार के भाग गए, वो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हुआ था, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर ही है लेकिन थोड़ी हाई सोसाइटी की, ये कह सकते हैं। गोलियां चल रही हैं, कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लगा, ठीक है। अब जैसे उसने, देखिए उसने अपने जीजा को मारा, मेरे ख्याल से 10 में से 7 साले यही कहते हैं कि अगर मैं मार सकता ना अपने जीजा को मार, तो वो जो अंदर की दमित वासनाएं जो है, जो हमारे अंदर का मवाद है, वो उसको उसने बाहर निकाल दिया। आज भी हम उसी स्टोरी पे चल रहे हैं। आपने महाभारत का, आप थोड़ा 5000 साल पहले चले गए, मैं गॉडफादर का दूंगा। आज भी जो स्टोरी की बेसिक लाइंस हैं वो हम गॉडफादर की चला रहे हैं, गॉडफादर वाला ही कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। लेकिन इमोशंस के साथ अर्जुन वांगा रेड्डी अच्छा खेले। मूवी की एनर्जी का एक मेन कारण उसका म्यूजिक भी है, बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक मूवी को बहुत हाइट देता है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाता है। फादर सन का जो लास्ट की सीक्वेंस स्पेशली वो काफी अच्छी थी। अनिल कपूर ने भी बहुत उस सीन को उठाया, और रणबीर कपूर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक्टिंग के मामले में, एक्टिंग डिपार्टमेंट में, एग्जीक्यूशन के डिपार्टमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है करेक्टराइजेशन की और राइटिंग के बारे में। जब आप कोई करेक्टर लिख रहे हैं तो यू हैव टू बी ट्रू विद दैट। एनिमल आप थिएटर में देखिए, एंजॉय कीजिए, और उस एनिमल को वहीं छोड़िए, घर में मत पालिए। यस यस यस, खुद और अपने बच्चों को ले जाइए, सैम बहादुर फिल्म दिखाइए, कुछ सीखने को मिलेगा, और एक हिस्ट्री का एक पन्ना आपके सामने खुल करके आएगा।
आधा अधूरा ही सही चाहे कुछ इनकम्प्लीट सही, हर एफर्ट कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होता है, लेकिन एक ऑनेस्ट एफर्ट है। मैं जरूर इनको बधाई देना चाहूंगा, मेघना गुलजार को और फिल्म के मेकर्स। अगर आपको हमारी ये डिस्कशन, ये रिव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।